पुलिस ने करनाल के कुंजपुरा में स्थित राइस मिल में छापा मारकर जंगल से चोरी की गई लकड़ी बरामद की है। आपको बता दें कि यहां पुलिस ने अवैध रूप से रखी गई खैर की लकड़ी बरामद की है। पुलिस द्वारा यमुनानगर कोट मुकारोपुर के रहने वाले व्यापारी को भी काबू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लकड़ी जंगल से चोरी कर लाई गई थी। फॉरेस्ट अधिकारी नरेश रंगा का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कुंजपुरा के समीप तेजा फार्म पर चोरी की लकड़ी जमा किए हुए है और वह लॉकडाउन के दौरान इसको आगे सप्लाई नहीं कर पाया। सूचना के आधार पर डिटेक्टिव स्टाफ की टीम एवं फॉरेस्ट विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस लकड़ी के कत्था वगैरह तैयार होता है, जो काफी कीमती बताया जा रहा है। फिलहाल लकड़ी की पैमाइश कर इसकी कीमत आंकी जाएगी। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि फॉरेस्ट अधिकारी सुभाष की मुखबिरी पर संयुक्त टीम बनाकर कुंजपुरा के समीप तेजा फार्म पर छापेमारी की गई। वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं काफी मात्रा में खैर की लकड़ी बरामद की गई। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा एवं इस मामले में और जो भी शामिल है उनकी जांच की जाएगी। पकड़ा है और क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? जो कुंजपुरा रोड पे तेजा फार्म है उसके बैक साइड में गोदाम है, तो उसमें इन्होंने लकड़ जो ये था इकट्ठा किया हुआ था और वहाँ से ये शायद दिल्ली या कहीं और बेचने की फिराक में थे। तो हो सकता है कि ये जैसे रोड बंद हुआ तो इनका इकट्ठा हो गया, तो ये ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर फीट जो है इसका वेट हमने किया है तो 85 क्विंटल वेट होगा। तो कितने उसकी कीमत की लकड़ होती है? देखो कीमत ये है कि मार्केट में डिपेंड करता है प्राइस का। जो कत्था बनाने वाले लेते हैं चोरी की लकड़ी है तो इसको तो बहुत महंगा नहीं होगा, 6000 रुपये क्विंटल तो मुझे आइडिया है कि इतना तो बिक जाता होगा। अच्छा, 1,00,000 रुपये का बन सकता है। हाँ, तो क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बाद? हमने इनकी लकड़ जब्त कर ली है और पर्यावरण कोर्ट में इनका केस चलाएंगे। तो और भी इसमें हो सकते हैं लोग जो जुड़ रहे हैं जो ऐसी तस्करी? बेसिकली जो CIA ने इनसे जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये निकल के आया कि यमुनानगर से ये संबंधित है, वहीं से चोरी की लकड़ी यूपी से यमुनानगर से लाते हैं और यहाँ ये बेस डिपो बना के दिल्ली वगैरह आगे ले जाते थे। सर ये क्या मामला है पूरा, जो लकड़ तस्कर पकड़ा गया? इंस्पेक्टर साहब के पास भी मुखबरी आई थी, किसी मुखबर ने दी थी घर की लकड़ी इधर कुंजपुर एरिया में कोई ले जाए, तो इसके संबंध में फिर मेरे नेतृत्व पे AST हिम्मत सिंह एक पार्टी तैयार की थी यहाँ पे रेड के लिए, और संयुक्त पार्टी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सुभाष चंद्र रेंज ऑफिसर के साथ की थी तैयार। तो उसके बाद फिर हमने रेड किया था, वहाँ से लकड़ी मिली थी घर की, उन्होंने शाख करी थी, तोल के लिए उनके हवाले कर दिए, मुकदमा दर्ज कर दिया थाना कुंजपुरा में। आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे रिमांड लिया जाएगा। और तो ये कीमती लकड़ी होती है कोई ज्यादा? कीमती लकड़ी ये गत्थे में डलती है, ये जो पान का गत्था होता है ना उससे वहाँ यूज होती है लकड़ी। तो लाखों रुपए की है? हाँ, 5-7 लाख की बता रहे हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। तो ये वहाँ से चोरी करके लाते हैं? हाँ, ये चोरी करके लाते हैं, इसका मुकदमा दर्ज कर दिया 387/411/32/53 फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट। और भी कोई इस गिरोह में हो सकता है जो लकड़ी? हाँ, वो अब आज रिमांड लेंगे, इसका गहनता से पूछताछ करेंगे, अगर जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लकड़ा वो कब्जे में ले ली पुलिस? हाँ, लकड़ा कब्जे में लेकर उनके हैंड ओवर करा दी, उसकी परमिश तो चल रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को RG सुपरदारी पे दे दी है। क्या नाम है इसका? वहाँ से कोई किराए पे गोडाउन ले रखा था करनाल में? ये कुंजपुरा से आगे ना गोदाम था, सेलर था मांगेराम, उसमें इसने किराए पे ले रखा था, उसमें तस्करी के लकड़ यहाँ रखा था। तो यमुनानगर का रहने वाला? हाँ, ये छिछरौली थाना का यमुनानगर रहने वाला। क्या नाम है इसका? इसका नाम जुल्फान है। ठीक, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets lie here. Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.